है विकी कौशल का सलमान खान के साथ पर्सनल कनेक्शन? क्यों जोड़ा जा रहा है विकी कौशल का नाम सुल्तान 2 से? कौन सी एक्ट्रेस आने वाली है सलमान खान के साथ सुल्तान 2 में नजर? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के फ्रेश एंड न्यू वीडियो में, जहां आपको मिलेंगी फिल्मी जगत से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स, टॉप कॉन्ट्रोवर्सीज एंड हॉट गॉसिप्स। बॉलीवुड के सुल्तान दोबारा से अपने अंदाज में धोबी पछाड़ देने के लिए बॉक्स ऑफिस पर जल्द आने वाले हैं नजर। सुल्तान के अपकमिंग सीक्वल को लेकर कई सारे कनेक्शन, फैन थ्योरीज और अफवाहें मार्केट में फैलती जा रही है। फिल्म के फर्स्ट पार्ट में दिखाया गया था कि सुल्तान अली खान एक मिडिल एज वर्ल्ड चैंपियन रह चुके रेसलर थे, जो हरियाणा के एक छोटे से शहर में रहते थे। आकाश ओबेरॉय एक प्रो टेकडाउन लीग का मालिक होता है। वो अपनी इस लीग को पॉपुलर करने के लिए भारतीय पहलवान को रखना चाहता है। इसके लिए वो सुल्तान से बात करता है, लेकिन सुल्तान साफ साफ मना कर देते हैं। आकाश अब उसके पहलवानी छोड़ने का कारण जानने के लिए उसके दोस्त गोविंद से बात करता है। तब फिल्म की पूरी कहानी शुरू होती है। फिल्म के पहले पार्ट के लिए अनुष्का शर्मा को सलमान खान की लीडिंग लेडी के तौर पर कास्ट किया गया था, मगर सेकंड पार्ट में इस बार कहानी को अलग ढंग से दिखाना चाहते हैं फिल्म के डायरेक्टर। हाल ही में खबरें उठ रही थी कि विकी कौशल और कटरीना कैफ के बीच में इश्क के तार छिड़ने लगे हैं। साथ ही सलमान खान की फेवरेट कटरीना कैफ के आगे पीछे कौन कौन से लड़के मंडरा रहे हैं, इस बात के पल पल का हिसाब सलमान खान रखते हैं। इसलिए कई बार विकी कौशल और सलमान खान को एक साथ भी देखा गया था। साथ ही विकी कौशल की बढ़ती सक्सेस और कटरीना कैफ के लेवल को मैच कर सके, इसके लिए सोर्सेज से खबरें आ रही है कि सलमान खान विकी कौशल को अपनी फिल्म सुल्तान 2 में एक बहुत ही अहम किरदार के लिए कास्ट कर सकते हैं। कुछ समय पहले ही कटरीना कैफ विकी कौशल की सीक्रेट रोका सेरेमनी की खबरें मार्केट में जोर पकड़ रही थी, लेकिन सलमान खान की मौजूदगी के बिना अगर ये रस्म हुई तो इसके बाद सीधा विकी कौशल सलमान खान के पास अपनी हाजिरी देने के लिए जाने वाले हैं। शायद अब सलमान खान विकी कौशल से पूछेंगे हाउ द जोश, लेकिन क्या पूरे उत्साह के साथ विकी खुशी से सलमान खान के सामने कह पाएंगे हाय सर? कटरीना कैफ के साथ विकी कौशल की बढ़ती नजदीकियों का ही नतीजा है कि अब सलमान खान विकी कौशल को भी अपने करीब रख रहे हैं। देखते हैं कि क्या ये करीबी सुल्तान 2 तक बनी रहती है या फिर नहीं। कटरीना सलमान खान के साथ कई सारी टॉप फिल्म फ्रेंचाइजी में काम कर चुकी है। कटरीना कैफ इस बार सुल्तान के सेकेंड सीक्वल में भी नजर आ सकती है। अब तक किसी भी फिल्म के जरिए कटरीना और विकी की केमिस्ट्री देखने को नहीं मिली है, लेकिन फैंस को दोनों ही जोड़ी ऑन स्क्रीन बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। शायद इसलिए सलमान खान अब बीच में मैच मेकर बनकर दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री दिखाने में इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं। देखते हैं कि अब ये बातें कितनी ज्यादा सच साबित होती है और या फिर सिर्फ फैन थ्योरीज या एक अफवाह बनकर रह जाती है। तो हमारे आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले। और वैसे भी आपका बॉक्सिंग करियर खत्म हो चुका है। तुम एक फाइटर है थॉय, और फाइटर कभी हार नहीं मानते। तीन टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतकर पास हो गया, बॉक्सिंग खत्म।